मैं अपने जनपद वासियों को बताना चाहता हूँ कि अपने जनपद ललितपुर में 13,428 प्रवासी मजदूर आए हैं और उनमें 8,678 को रोजगार दिया जा चुका है। इस समय जनपद में करीब 2,000 परियोजनाएं में काम चल रहा है और 12 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, इनकी 12 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई। 79,000 मजदूर मनरेगा मजदूर कार्यरत हैं और लगातार कार्यों को में अपने प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। सभी ग्राम सभाओं में तालाब की खुदाई, बंदी का निर्माण, सड़क की पटरी पर मिट्टी डालने का कार्य, ये सभी जो रोजगार सृजन से संबंधित कार्य हैं ये सभी कराए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रमिक को बिना काम के न रहना पड़े। जो श्रमिक अभी अवशेष हैं वो कुशल मजदूर हैं और उनको उनकी कुशलता को देखते हुए उन्हें उनके क्षेत्र में नियोजन करने का प्रयास किया जा रहा है।